हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटेंसिल की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। वो होने वाला है विनोद की तरफ से उसका लेगेसी प्री सीजन कास्ट आयरन फ्राई पैन। हाँ जी, ये 24 सेंटीमीटर का है और इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसके बारे में पूरी डिटेल्ड रिव्यू देंगे, प्लस काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे कास्ट आयरन के लिए। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो साइड में यहाँ से इसको ओपन करते हैं और इसका प्रॉपर कास्ट आयरन का पैन निकालते हैं। जनरली ये जो कास्ट आयरन का पैन मैंने चूज़ किया है वो है 24 सेंटीमीटर का, जो कि हमारे इंडियन किचन्स या नॉर्मल डोमेस्टिक किचन के लिए एक बहुत ही प्रॉपर साइज होने वाला है। हाँ जी, ये जो कास्ट आयरन का पैन है ये बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं हम, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर थोड़े से बड़े पैन होते हैं, स्किलेट्स होते हैं, वो हमारे लिए यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसका वेट भी उसी हिसाब से होता है। तो अगर जनरल अगर इंडियन किचन के हिसाब से अगर आप ले रहे हैं तो 24 सेंटीमीटर का पैन आप ले सकते हैं, जो कि आपके डेली यूज़ के लिए और 4 to 5 पीपल की फैमिली के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल रिव्यू की। तो अगर हम बात करते हैं इसके हैंडल की, तो ये देखिए बहुत ही डिटेल रिव्यू में आपको इसका हैंडल दिखाता हूँ। जो कास्ट आयरन की क्वालिटी होती है वो आपको उसकी सर्फेस देख के समझ में आती है। थोड़ा माइन्यूट पोर्स होंगे, इसकी जो बॉडी होती है समझिए कि बिल्कुल रफ थोड़ी सी होती है। और ये देखिए, अगर हम इसके इनर सरफेस की बात करते हैं तो इनर सरफेस ये देखिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल तरीके से दिखाऊंगा। ये देखिए एक माइन्यूट से पोर से दिखेंगे आपको, जो कि कास्ट आयरन की पहचान होती है। हमेशा जो होता है नॉर्मल आयरन जो होता है वो आपको प्लेन सरफेस में मिलेगा, बट अगर कास्ट आयरन होगा वो देखिए माइन्यूट पोर के साथ आएगा। थोड़ी सी डिटेल रिव्यू ये देखिए। और अगर फ्राई पैन का साइज़ की बात करते हैं तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि आपके किचन के लिए, यूटिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा साइज़ है ये 24 सेंटीमीटर का फ्राई पैन, जो कि विनोद की तरफ से आ रहा है। और बाकी काफ़ी ब्रांड्स भी इसी साइज़ का देते हैं, तो अगर आप अपने एक्स वाई जेड कोई भी ब्रांड आपके यहाँ अवेलेबल है आपके नियर बाय स्टोर में, तो आप उसको देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि इसके बारे में एक आपको डिटेल जानकारी मिलनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले बता देता हूँ कि कास्ट आयरन का यूटेंसिल जो है आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडियन मार्केट में। उसका रीज़न ये होता है कि जनरली जो आयरन की एफिशिएंसी होती है लोगों की बॉडी में, तो इसमें जो कास्ट आयरन की एक टेंडेंसी होती है बहुत ही हेल्दी कुकवेयर माना जाता है आज से नहीं हमेशा से, क्योंकि ये क्या होता है कि जिसके अंदर का आयरन होता है वो थोड़ा सा एब्जॉर्प्टिव नेचर का होता है। कोई भी कुकिंग हम इसमें करते हैं तो ये समझ के चलिए थोड़ा बहुत आयरन का जो कंटेंट होता है वो हमारे फूड मटेरियल में मिलकर हमारे बॉडी में जाता है, जो कि हमें हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करता है और आयरन डिफिशियंसी से हम लोग बचे रहते हैं। दूसरी बात कर देते हैं अगर आयरन यूटेंसिल्स की, तो कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो आयरन में ही अच्छी बनती हैं। अगर हम मतलब फोकस करें सिर्फ कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स के लिए, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी अगर हम एक स्लो कुकिंग रेसिपीज़ बना रहे हैं। हाँ जी, अगर हम स्लो कुकिंग रेसिपीज़ बना रहे हैं तो हम वो कास्ट आयरन से अच्छा किसी में भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये होता है कि कास्ट आयरन जो होता है वो इतनी अच्छी तरीके से हीट को रिटेन रखता है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर कास्ट आयरन को सबसे पहले आप यूज़ करेंगे ना, तो उसको पहले आपको गैस स्टोव में चढ़ा के थोड़ी देर प्री हीट करिएगा, फिर उसमें कोई भी चीज़ आप कुक करेंगे तो बहुत देर तक ये हीट रिटेन रखता है आपकी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंपनी ने यहां पे आपको सेफ्टी स्लीव्स दिया है, जो कि मैं कहूंगा कि 100% तो नहीं सेफ है, बट ये है कि अगर कास्ट आयरन आप कभी भी कुकिंग करते हैं, कभी भी ये कास्ट आयरन आप कुक कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये हैंडल आपका स्टे कूल नहीं रहेगा। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज बता दे रहा हूं कि जो हैंडल होगा वो आपका गर्म हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये सेफ्टी स्लीव्स के भी भरोसे ना रहिएगा, एक अपना एक मतलब हैवी क्लोथ लीजिएगा, टॉवल लीजिएगा, उसी के सहारे इसको हटाइएगा। और दूसरी बात करते हैं अगर कुकिंग की, तो दो चीजों प्रिकॉशन जरूर रखनी होती है। इसमें एसिडिक फ्रूट आप नहीं कुक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एसिडिक फूड कुक करना, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट हाँ ये चीज़ है कि आप अवॉइड करिए इसमें एसिडिक फूड कुक करने के लिए। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, डिश वॉशर में इसको नहीं वॉश किया जाएगा। हाँ जी, डिश वॉशर और माइक्रोवेव के लिए ये नहीं होते हैं। इसमें टोटली आपको ये बता दिया जाएगा कि ये आपको डिश वॉशर या माइक्रोवेव में अगर आप यूज़ करते हैं तो कास्ट आयरन की जो ऊपर की जो सीजनिंग होती है, हाँ जी, ये एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि ये एक पेंट जैसा है, बट एक्चुअली ये पेंट नहीं होता, ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से आपको प्री सीजन करके देती है। सीजनिंग जो होती है वो एक ऑयल से की जाती है, या धीरे धीरे करके जब आप इसको यूज़ करने लगते हैं तो इसकी सीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो आपकी जितनी बार इसको सीजन करेंगे ना, उतना बेहतर ये पैन आपके लिए कुकिंग के लिए हो जाएगा। और ये बहुत सारी कंपनीज इंडियन ब्रांड्स में निकाल दिया है, और अगर आपको लोकली भी मिलता है कहीं पे भी कास्ट आयरन, तो पहचान मैं बता दे रहा हूँ कि कास्ट आयरन हमेशा से रफ सरफेस का होगा और अच्छा खासा हैवी होगा। प्लस इसका जो हैंडल होगा वो इसी में ही होगा, मतलब
कभी भी कास्ट आयरन आपका दो पार्ट में नहीं होता या कभी भी उसमें रिपेयर्स नहीं मिलेंगी। प्लस जो कास्ट आयरन होगा वो हाथ में लेते ही आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा हैवी के साथ साथ और रफ सरफेस का होता है। अगर हम इसके पैन की बात करते हैं और कुकिंग की बात करते हैं, तो इसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छा और रेगुलर बना सकते हैं, मतलब इससे अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स किसी भी उसमें नहीं बनेगी। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कुकिंग चैनल चला रहे हैं या अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं कुकिंग के लिए, तो एक ये पैन आपके घर या आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको कुक करने में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो सच बता रहा हूँ किसी और कुकवेयर में नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज़ ये है, इन कुकवेयर्स की अनबॉक्सिंग करने के बाद जो एक मतलब अपने को भी एक फीलिंग आती है ना, खुशी से ऐसी फीलिंग होती है कि मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा यूटेंसिल लेकर आता हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, जो हमारे इंडियन किचन्स में होना ही चाहिए। भले ही इस ब्रांड का नहीं हो, वैसे ये वाली ब्रांड बहुत प्रॉमिसिंग ब्रांड है और हमारे और आपके लिए बहुत कॉमन ब्रांड है, विनोद के नाम से आती है। और कंपनी इसमें क्या करती है, आपको लाइफ टाइम की वारंटी के साथ देती है। ये वारंटी कार्ड होगा जो कि स्टैम्प कराना ना भूलिएगा, आपको अच्छी खासी वारंटी मिलेगी। हाँ जी, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स विनोद कास्ट आयरन में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब भी आप इसमें कुकिंग करेंगे। अगर इसकी हम प्राइसिंग की बात करते हैं, तो ये 2650 की प्राइसिंग में आता है, प्लस इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप जहाँ भी परचेज करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है कि एक ट्रस्टेबल डील मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मज़ा आई हो अगर हमारे वीडियो में आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके पास आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।